सो दोस्तों आईपीएल 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसका पहला मुकाबला हमें 22 मार्च को येलो आर्मी वर्सेस रेड आर्मी के बीच देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि चेन्नई और गुजरात के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन दोस्तों अब ये कंफर्म हो चुका है कि चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि अभी शुरुआती 15 दिनों का ही शेड्यूल जारी किया गया है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरसीबी की टीम आखिर कब कब अपने मुकाबले खेलने वाली है इन 15 दिनों के अंदर में, और साथ ही बात करेंगे दोस्तों आरसीबी के खेमे से ही कुछ अच्छी अपडेट्स की। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपसे आरसीबी की कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, बात की अपनी पहली बड़ी अपडेट की, तो वो है दोस्तों आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले ही आईपीएल 2024 का शेड्यूल जारी हुआ है, जो कि 15 दिनों का आया है। इन 15 दिनों में सभी टीमें पांच पांच मुकाबले खेलने वाली है, जिसमें से दोस्तों पहला मुकाबला आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच देखने के लिए मिलेगा चेन्नई के स्टेडियम चेपॉक में। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला काफी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है। हालांकि उम्मीदें ये थी कि आरसीबी नहीं बल्कि जीटी की टीम सीएसके से टकराएगी पहले मुकाबले में, बट दोस्तों अब ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग की टीम ही ओपनिंग मैच खेलने वाले हैं। बात की है दोस्तों आरसीबी के टोटल पांच मुकाबलों की इन 15 दिनों के अंदर में, तो पहला मुकाबला आरसीबी चेन्नई से खेलेगी, जो कि हमें 22 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आरसीबी का अगला मुकाबला होगा 25 मार्च को अपने होम ग्राउंड में चेन्ना स्वामी के स्टेडियम पर ही पंजाब किंग्स के खिलाफ। फिर आरसीबी टीम 29 मार्च को अपना अगला मुकाबला खेलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, वो भी आरसीबी के ही होम ग्राउंड पर होगा चेन्ना स्वामी स्टेडियम पर। फिर आरसीबी का अगला मुकाबला होगा 2 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, ये मुकाबला भी हमें चेन्ना स्वामी स्टेडियम पर ही देखने के लिए मिलेगा। यानी कि दोस्तों आरसीबी टीम लगातार 3 मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली है। उसके बाद दोस्तों आरसीबी टीम 6 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में खेलेगी। यानी कि आरसीबी टीम अपने 5 में से 3 मुकाबले होम ग्राउंड पर खेलने वाली है, जो कि सभी आरसीबी फैंस के लिए काफी अच्छी और बड़ी बात है। बात की है अपनी दूसरी अपडेट की, तो वो है दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर। मिनी ऑक्शन के बाद दोस्तों आरसीबी को काफी तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि उनके स्टार पेसर लॉकी फर्ग्यूसन इंजरी के चलते आईपीएल से बाहर होने की कगार पर आ गए थे। लगातार अपडेट्स और न्यूज निकल के सामने आ रही थी कि लॉकी फर्ग्यूसन आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों फाइनली अपडेट आ चुका है कि लॉकी फर्ग्यूसन पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, और उन्होंने कल अपना पहला मुकाबला भी खेला है इंजरी के बाद, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। लॉकी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में 24 रन दिए थे, हालांकि उन्हें सिर्फ एक ही विकेट मिला था, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफी गजब की रही थी। ये दोस्तों सभी आरसीबी फैंस के लिए और टीम आरसीबी के लिए काफी अच्छी और बड़ी अपडेट है कि लॉकी फर्ग्यूसन फिट हो चुके हैं और वो 2024 के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। इसी बात पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपसे आरसीबी की कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। बात की अपनी तीसरी अपडेट की, तो वो है दोस्तों टॉम करन को लेकर। दरअसल दोस्तों टॉम करन की जो इंजरी है वो थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में आईपीएल 2024 में टॉम करन की अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आरसीबी की बढ़ती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आरसीबी टीम टॉम करन का एक बैकअप रखना चाहेगी। हालांकि दोस्तों अभी टॉम करन ऑफिशियली बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि टॉम करन शायद ही आईपीएल 2024 में अवेलेबल रह पाए। तो दोस्तों सोर्सेस के मुताबिक ये अपडेट निकल के सामने आई है कि आरसीबी टीम अपने एक्स प्लेयर यानी कि काइल जेमिसन के पीछे नजरें गड़ाकर रखी है कि अगर टॉम करन ऑफिशियली रूल्ड आउट होते हैं आईपीएल 2024 से, तो वो फटाफट काइल जेमिसन को साइन करके अपनी टीम में ले आएंगे। काइल जेमिसन 2024 के मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। काइल जेमिसन भी टॉम करन की तरह ही बैटिंग और बॉलिंग ऑप्शन लेकर आते हैं। ऐसे में दोस्तों आरसीबी को टॉम करन के स्थान पर उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी मिल जाएगा। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, लेकिन दोस्तों अगर टॉम करन बाहर होते हैं आईपीएल 2024 से, तब आरसीबी टीम डायरेक्ट काइल जेमिसन को साइन करके अपनी टीम में ला सकते हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपसे आरसीबी की कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।